हेलो नमस्कार, आप सबका दिल से धन्यवाद जिन्होंने पहली वीडियो पर इतना सारा प्यार दिया। ये वीडियो प्राकृतिक या ब्लॉग होनी चाहिए थी, पर नहीं है। चैनल के हिसाब से जर्नी मतलब सफ़र, यात्रा। तो बात करते हैं एक ऐसे सफ़र की जिसे हम पूरा कर चुके, पर यकीन मानिए भविष्य में कभी आप इसकी कल्पना भी नहीं करेंगे। तो यह सफ़र है 2020 का। एक लाइन जो पूरे 2020 को परिभाषित करती है कि किसी के सपने गए तो किसी के अपने। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2020 में बुरा क्या हुआ, तो आप गहरी सोच में चले जाएंगे। इसलिए नहीं कि क्या बताएं, बल्कि इसलिए कि क्या क्या बताएं। चलो मैं पूछता हूं कि आखिर 2020 में बुरा क्या ही हुआ। तो आप बोल सकते हैं लॉकडाउन, अर्थक्विक, सुनामी, एस्ट्रोनाइट, बम ब्लास्ट। एक मिनट, कुछ ज़्यादा ही बुरा नहीं हो गया? इसे स्किप करते हैं। तो इतनी सारी दुविधाओं के बाद भी जो अभी सकुशल जीवित हैं उन्हें जीवित रहने की शुभकामनाएं। तो बात करते हैं आखिर 2020 में क्या क्या हुआ। हम इस वीडियो में बात करेंगे तीन बातें जो दर्दनाक हैं और उम्मीद करेंगे भविष्य में ना हो, और वीडियो के अंत में तीन अच्छी बातें भी बताऊंगा जो हमने इस वर्ष से सीखा। तो लास्ट तक बने रहिए। नंबर एक, कोरोना वायरस। लोग जानते हैं कि वायरस कहाँ से आया, पर जहाँ से आया वो ये मानने को तैयार ही नहीं कि वहाँ से आया। ये ऐसी महामारी है जो हवा में फैलती थी। इसकी वजह से सब कुछ ठप हो गया था, सब कुछ। इस वायरस की वजह से 17,90,000 लोगों की जान गई, पर अब स्थिति दोबारा से सामान्य हो रही है। काफ़ी कई देशों ने इसकी वैक्सीन बना ली है और आजकल वैक्सीन लगनी शुरू भी हो गई है। तो यकीनन 2021 में हम इस बीमारी से राहत जरूर पा लेंगे। नंबर दो, ऑस्ट्रेलियाई जंगल की आग। इतनी भयानक आग पहले शायद ही लगी हो। ये आग इतनी भीषण थी कि इसका अंदाज़ा आप सिर्फ इस बात से लगाइए कि इस आग में 48 करोड़ जानवर झुलसकर मर गए, 24 लोग मारे गए, जिनमें दो फायर फाइटर थे। हम उम्मीद करेंगे कि भविष्य में कभी ऐसी घटना दोबारा ना हो। नंबर तीन, बेरूत बम ब्लास्ट। आप इमेजिन कीजिए, किसी पार्टी में हैं या फिर कहीं घूम ही रहे हैं और आपके आसपास हिरोशिमा परमाणु बम के पांचवें हिस्से जितना ब्लास्ट हो जाए तो आप पर क्या बीतेगी। ये बात है बेरूत बम ब्लास्ट की। इसमें जो ब्लास्ट हुआ था वो हिरोशिमा परमाणु बम विस्फोट के पांचवें हिस्से के बराबर था, और इसकी विकरालता आप बस इस बात से लगा सकते हैं कि इसकी आवाज़ 200 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती थी। सैड, वेरी सैड। तो जो हो गया वो हो गया, लेकिन जो होगा उस पर सिर्फ आपके स्वयं का अधिकार है। तो अब बात करते हैं कि 2020 से हमने क्या सीखा। नंबर एक, लॉकडाउन इज ऑप्शनल। लॉकडाउन सबके लिए बुरा नहीं रहा। जैसे बात कर लेते हैं प्रकृति के बारे में, तो सबको फ़ायदा हुआ या नहीं, पर नेचर को फ़ायदा जरूर हुआ है। नेचर ने खुद को हील किया है, हवाएं साफ हो गई, नदियों में डॉल्फिन तक आने लगी। इससे इतना तो कंफर्म हुआ कि भविष्य में अगर स्थिति बदतर होती है तो हम लॉकडाउन के ऑप्शन के बारे में ज़रूर सोच सकते हैं। नंबर दो, घर की इम्पोर्टेंस सीख गए और ये समझ गए कि परिवार हमेशा साथ देता है। जब लोग एक दूसरे को टच नहीं कर रहे थे तब भी हम परिवार वालों ने भी भेदभाव नहीं किया, यहाँ तक कि हमारी डाइट भी काफ़ी हद तक सही हो गई, क्योंकि उस दौरान बाकी सारी खाने पीने की चीज़ें बंद थी, जिसकी वजह से हम घर की बनी हुई और अच्छी चीज़ें खा पाए। नंबर तीन, डिजिटलाइजेशन। पढ़ाई काफ़ी हद तक ऑनलाइन हो गई। इस वर्ष ये भी नया देखने को मिला कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गए। अब इससे भविष्य में अगर कोई दूर रहता है जो कॉलेज नहीं जा पाता, तो उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और हमने वर्क फ्रॉम होम भी सीख लिया, घर से काम करना भी सीख लिया, जिससे हम थोड़े डिजिटल हो चुके हैं। और मैं ये भारत के नज़रिए से बात कर रहा हूँ, क्योंकि विदेशों में स्थिति काफ़ी अच्छी है, हमारे यहाँ हुआ इसलिए इसकी बात कर रहा हूँ। तो किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए बुरा गया ये साल। तो बस आप एक बात को ही मानिए कि सबको खुश तो भगवान भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग वीडियो होगी और हम चलेंगे सोनभद्र के प्रकृति का आनंद उठाने। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।